हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली टाइम हो चुका है सुबह के 7:30। तो तनिष्का और रौनक हो चुका है स्कूल जाने के लिए रेडी। तो गाइस आज मतलब रौनक भी जा रहा है पहली बार मतलब साइकिल से, और तनिष्का भी, क्योंकि तनिष्का की भी आ चुकी है। मतलब 2:15 तो तनिष्क और रौनक आने वाले स्कूल से। तो देखते हैं मतलब आज क्या रिव्यू रहता है उनका। मतलब आज पहली बार आया रौनक स्कूल साइकिल से, तो अभी कर रहे हैं उनका वेट, और धूप वगैरह काफ़ी तेज़ निकली हुई है अभी भी। तो गाइस देखते हैं, मतलब 15-20 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं एक्स्ट्रा, मतलब 1:45 के आसपास आ जाते हैं, और टाइम हो चुका है अभी 2:10। तो गाइस अब वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। सो गाइज काफ़ी देर वेट करने के बाद तनिष्का और रौनक आ चुके हैं स्कूल से। तो सबसे आ गया रौनक और पीछे आ रही है अभी तनिष्का। तो गाइज आज काफ़ी लेट हो गए हैं, तो रौनक से पूछते हैं मतलब कैसा रहा आज का दिन। तो कैसा लगा रौनक आज? अच्छा। मतलब मज़ा आया साइकिल चलाने में? कैसे? बहुत मज़ा आया। तो गाइज आप देख सकते हो पसीने में काफ़ी बुरा हाल है, और इधर तनिष्का, और तनिष्का की भी साइकिल हो चुकी है आज चेंज। तो तनिष्का मतलब रेंजर पे नहीं है, दूसरे वाली साइकिल पर है, तो तनिष्का तो वही डेली रूटीन है। तो गाइज अब रौनक और तनिष्का स्कूल मतलब साइकिल को पार्किंग में लगाते हुए, और ये देखे इधर रौनक तो आज काफ़ी खुश हैं। मतलब सुबह गए थे तो आज लेट भी हो गई काफ़ी, मतलब फर्स्ट डे था आज रौनक का साइकिल से। जब सारी बस निकल गई हम जब भी निकले, पहले तो स्कूल से निकले 100 तो एक घंटे में आया ना, तो तू इधर एक घंटे में आया कहाँ से? मैं तो वही तुरंत निकल जाऊँ, निकल जाओ तो स्कूल से, कोई बस वैसे कुछ नहीं निकलता, बच्चे निकलते हैं फटाफट साइकिल लेकर चली जाऊँ जल्दी। सो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 5:30, तो अब जा रहे हैं मतलब छठी है आज, मतलब कल भी छठी थी और आज भी छठी है। तो अभी जा रहे हैं मतलब कढ़ी चावल खाने, तो वहाँ से अभी हमारे पंकज भाई का फोन आया था कि आप जल्दी आओ, यहाँ पर कढ़ी चावल का प्रसाद है। तो अभी दोनों जा रहे हैं,
लेकिन पीछे अभी मजे में आते हुए तो अब उधर ही निकल रहे हैं। सो गाइस तो अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मतलब अपने कढ़ी चावल के प्रसाद की तरफ। तो मतलब कल भी दावत थी और आज फिर से रात को तो अब जा रहे हैं उधर की साइड ही हम। सो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम मतलब प्रसाद के पास। तब करते हैं पहले प्रसाद वगैरह ग्रहण और भीड़ भाड़ भी काफी लगी हुई है यहाँ पर। मम्मा की दया। सो गाइस तो अब पहुंच चुके हैं मतलब डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर अभी कढ़ी चावल का प्रसाद बन रहा है मतलब अभी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जो पहले बना हुआ था खत्म हो चुका है तो पहले भी तैयारी की गई फिर से। और देखिए यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं मेरे। तो भाई देखे ये है हमारे गांव के प्रधान जी। तो देखे बिल्कुल बिना हाथ छोड़े हुए तसला ले जाते हैं ये। और इधर देखे भंडारा चलता हुआ और भोले इधर 5-6 डोने पहले खा चुका है और इसका 6ठा डोना है और इनका भी है 7वां 8वां है। सो गाइस प्रसाद खा के आ गए हैं मतलब कढ़ी चावल पास थी हमारे मतलब गाँव में 6ठी थी वही 6ठी महोत्सव जो होता है मतलब जन्माष्टमी के जो बाद जो होता है मतलब 6-7 दिन बाद तो उसी मतलब छठी जाते हैं। और गाइस देखे पीछे सनसेट हो चुका है उधर तो आप देख सकते हो बिल्कुल सामने। तो अब धीरे धीरे जा रहे हैं अपने घर की तरफ। वो काफी टाइम लगा यहाँ पर तो इन्होंने तो ले लिए हैं कम से कम 8-10 और मैंने भी मेरे कम से कम 20-25 तब पेट भर चुका है काफी ज्यादा। अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि खाना वगैरह कुछ खा पाएंगे घर। तो गाइज खा पी के आ चुके हैं बिल्कुल घर। तो अभी घर पर तो कोई नहीं है तो फाइनली अभी तो सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। देखते हैं कौन है घर पे। तो वैसे तनिष्का वगैरह ही है तो अंदर भी लेटी हुई है। ट्यूशन से आई होगी तो उसके बाद तभी से मतलब अंदर लेटी हुई है। और देखिए घर में अंधेरा कर रखा है बिल्कुल। तो गाइज देख सकते हो अब काफ़ी अंधेरा हुआ पड़ा है। सो गाइज टाइम हो चुका है रात के 8:30। तो गाइस अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा तो लाइट वगैरह में चल रही है प्रॉब्लम। पर फिर भी आज इन्वर्टर तो हमारा चार्ज है तो तनिष्का रौनक तो यहाँ पर है नहीं। तो गाइस टाइम भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा तो अब हम भी करते हैं स्लोक को एंड। आई होप आपको यह लोग पसंद आएगा। अगर लोग पसंद है तो लोग को लाइक करना शेयर करना और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए लोग के साथ। तब के लिए बाय बाय।